तो वेल्थ के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेंज के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे अंडरस्टैंड करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है आज जो मार्केट में एक मूव आया है वो काफी अच्छा मूव था और काफी लोगों ने इसमें प्रॉफिट कमाया होगा क्योंकि कल मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था कि नौ हजार आपको कॉल लेके काम करना है यानी आपको लॉन्ग साइड पे काम करना है और 9200 पे आपको शॉर्ट करके काम करना है तो आज मॉर्निंग मॉर्निंग में जब मार्केट खुला तो हमें नौ हज़ार रुपये मिला वहाँ पे जिन लोगों ने लॉन्ग करके काम किया होगा तो डेफिनेटली उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा अब यहाँ पे अगर बात करें हम कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है चलिए देखते हैं कि एन के ऑप्शन चेंज डाटा पे क्या चीज़ें चेंज हुई हैं फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग 9300 के ऊपर निफ्टी जाके क्लोज हुआ है और काफी दिन बाद ये बहुत ही अच्छी क्लोजिंग आई है इवन 9200 के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग हम मानते थे बट 9300 के ऊपर जाके क्लोज हुआ है मार्केट में तो ये बता रहा है यहाँ पे कि कॉल राइटर कितने घबराए है हुए हैं जो शॉर्ट कवरिंग मार्केट में जो टिगर हुई है ये कितनी और एक्सटेंड हो सकती है इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए 285 पॉइंट निफ्टी चढ़ के बंद हुआ है तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन चेन डाटा में कहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं सबसे पहले हमारे पास देखते हैं कि हम जैसा कि हम 9200 के ऊपर आज क्लोज हो गए हैं तो 9200 से हम स्टार्ट करते हैं तो 9200 की अगर हम पुट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज ही के दिन में फिफ्टीन लाख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और टोटल कितना हो गया यहाँ पे ट्वेंटी लैख नाइन्टी सेवन थाउजेंड का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हो गया है वहीं अगर हम नाइन्टी थ्री हंड्रेड की पुट की बात करते हैं तो देखिए ट्वेल्व लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आज के दिन में ऐड हुआ है यहाँ पे और

इसको अगर हम टोटल करते हैं तो करीब करीब आपका 10, 11, 11 और 8 करीब करीब 20 से 30 लाख का ओपन इंटर स्टिल अभी है जो कि 9, 200 के नीचे है। बट अगर हम 9, 300 को भी इसमें ऐड कर देते हैं तो टोटल आपका करीब करीब 56 लाख का ओआई यहां पे टोटल अभी भी बना हुआ है और हम 9300 के ऊपर जाके क्लोज हुए हैं इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट कवरिंग और टिगर हो सकती है अगर मार्केट में 9350 और 9370 जैसी निकालता है तो और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग टिगर हो सकती है या फिर कल अगर हम गैप अप खुलते हैं 9400 के ऊपर और सस्टेन कर जाते हैं तो फिर आपको हो सकता है कल ही के दिन में नाइन्टी तक आता हुआ दिखाई दे निफ्टी अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक 9500 ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कि स्टिल अगर देखा जाए तो 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है 9500 फाइव की कॉल पे बट पुट पे यहाँ पे कोई ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है बट कॉल साइड पे आज कोई भी ओपन इंटरेस्ट ज्यादा एडिशन नहीं दिखाई दिया हुआ है इसका मतलब सिंपल सी चीज़ ये कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग और टिकर हो सकती है क्योंकि ऊपर के लेवल पर किसी भी कॉल राइटर को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट कहाँ पर जाके रुक सकता है जैसा कि मैं आपको पिछले कुछ दिन में कंटिन्यूसली बोल रहा था कि हम बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं आप एक मंथली कॉल लेके काम करिए बहुत से लोगों ने जिन लोगों ने मेरी रिकमेंडेशंस पे 9000 की जून की कॉल खरीद दी थी 330 320 310 300 सौ या 290 के लेवल पे आज डेफ़िनेटली उनको एक अच्छा प्रॉफ़िट मिल रहा होगा अगर उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो अच्छी बात है नई बुक किया है तो आप उसको नाइन्टी के टारगेट के लिए आप उस को होल्ड कर सकते हैं आज ऑलमोस्ट 505 तक उसने हाई बनाया था यानी पंद्रह सोलह पीरियड ऑफ टेन डेज में आपको ये मिल रहा है और इसमें जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट था कितना था आपका करीब करीब अगर मैं कहता हूँ किसी ने अगर तीन सौ साढ़े तीन सौ पे भी लिए तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका छब्बीस हज़ार का इन्वेस्टमेंट था उस पर आपको ऑलमोस्ट डेढ़ सौ पॉइंट के करीब आपका नेट प्रॉफ़िट आपको मिल रहा था आज के दिन में तो अगर किसी ने बुक किया है तो उसको करीब करीब ग्यारह हज़ार का प्रॉफिट मिला है दस दिन के अंदर तो ये आपका जो बेसिकली जो रिकमेंडेशन था मेरा जिसमें मैंने पर्सनली जिन लोगों ने मेरे से कहा था कि क्या हम ख़रीद सकते हैं उनको भी मैंने बोला था ख़रीद सकते हैं आप इवन मैंने पर्सनली भी खुद खरीद के रख रखी है और इसके बावजूद मैंने जिन लोगों को स्पेशल अपना वीडियो जिसमें कि मैंने प्रॉफिट के साथ आपको बताया था कि क्यों नौ हज़ार की कॉल मैंने खरीदी थी क्या रीजन था तो उस चीज पे फोकस करिएगा तो आपको हो सकता है एक अच्छा प्रॉफिट आपको आगे आने वाले दिनों में सेम स्ट्रेटेजी पे आपको मिल सकता है अगर हम बात करें यहाँ पे चार्ट पे तो निफ्टी का चार्ट फिलहाल ये देख सकते हो आप कि हमने कल देखा था कि 9000 के लेवल पे मैंने आपको बोला था कि आपको खरीद के काम करना है नौ हजार पे बेच के काम करना चाहे तो सुबह हमारा मार्केट हमारा करीब करीब नौ हजार अस्सी पे खुला और वहां से 9000 तक गया वहाँ से रिवर्सल इसने दिखाया और बहुत ही अच्छा रिवर्सल दिखाया एक जो पॉइंट था नौ हजार दो सौ का वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक किया गया उसके बाद जब इसने ऊपर टिकर किया तो एक दोबारा से पोजीशन बन के एक अच्छा प्रॉफिट मिला तो ये चीज़ समझ लीजिए कि ये जो मोमेंटम है ये अब स्टार्ट हुआ है और इस मोमेंटम में की जो रैली है अभी हमने तीन परसेंट की देखी है अभी इसमें और तीन परसेंट की आ सकती है यानी मोटा मोटा नाइन्टी फाइव हंड्रेड तो निफ्टी ईजिली जा सकता है ठीक है अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया था तो बैंक निफ्टी आज ऑलमोस्ट सात परसेंट भागा है, तो बैंक निफ्टी आपको बीस हज़ार के लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा अगर उन्नीस हज़ार के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग ज्यादा आ सकती है इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा अगर हम आज के डाउ फ्यूचर की बात करें तो स्टिल देखिए अभी ऑलमोस्ट 1.40 परसेंट ऊपर कामकाज कर रहा है साढ़े तीन पॉइंट ऊपर चढ़ के काम कर रहा है तो अगर यहाँ पे डाउ जो इसी लेवल पे बंद होता है तो कल हम मैक्सिमम हमारे चांस है कि हम एक गैप अप ओपनिंग दिखाएं 100 पॉइंट तक की या अस्सी पॉइंट तक की उस गैप अप ओपनिंग में अगर हम सस्टेन कर गए तो कल भी एक आपको शॉर्ट कविंग का मूव देखने को मिल सकता है तो नजर रखिएगा मार्केट में कोई भी डिप आती है डिप का यूटिलाइज़ करिए डिप कहाँ तक की आ सकती है वो मैं आपको बता सकते देता हूँ कि अगर यहाँ तक की आपको डिप मिलती है नाइन टू फाइव जीरो तक की आपको डिप मिलती है तो यहाँ पे आप एक बार बाय करके ही काम करिएगा ऊपर आपको नाइन्टी थ्री नाइन्टी तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं नाइन्टी थ्री नाइनटी के टारगेट मैंने क्यों डिसाइड किए हैं आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर स्विंग हाई है इसके ऊपर निफ्टी कुछ दिन के तक क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था आप देख रहे हो जब निकाला तो एक बहुत अच्छा मूव आया था बट जब तक इसको नहीं निकाल पा रहा था तो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था तो इस लेवल तक निफ्टी आपको जाता हुआ दिखाई देगा और जैसे नाइन्टी 9400 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो आपको दो से तीन पॉइंट की और तेजी देखने को

जिन्होंने शॉर्ट बनाए थे तो कभी ना कभी तो कटेंगे ना तो वो आज कट गए हो सकता है आपको कल और कटते हुए दिखाई दें फिर आपको फ्रेश पोजीशन भी लॉन्ग साइड पर बनती हुई दिखाई देंगी तो नजर रखिएगा इस तरीके से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी से कल का ट्रेडिंग सेशन में कहीं एक्सपायरी आपका नाइनटी से लेकर नाइन्टी के 9400 बीच में हो सकती है तो देखते हैं नजर रखेंगे हम कि किस लेवल पे यहाँ पे एक्सपायरी हो रही है तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों जय हिंद